अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राशिद मिनाज और आप देख रहे हैं ऑटोमेशन स्पॉट। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा हम डेल्टा पीएलसी में हाई स्पीड काउंटर अप एंड डाउन किस तरीके से यूज़ करते हैं बाय यूजिंग ए फेज़ एंड बी फेज़। तो ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं। मेरे पास जो इनकोडर है यहाँ पर E6B2CWZ6C, ये इनकोडर है मेरे पास और इसमें 500 PPR का है, ये आप देख सकते हैं 500 PPR। आप अगर इसको सर्च करेंगे इस मॉडल को इनकोडर का, तो इसके हिसाब से ऑलरेडी आपको इसके मैनुअल में पता चल जाएगा कि ये NPN है या PNP इनकोडर है। तो इसके लिए आपको मैनुअल पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं कि इस इनकोडर का हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो देखते रहिए इस वीडियो का एंड तक ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। स्टे ट्यून विद अस। सब्सक्राइब करें ऑटोमेशन स्पॉट को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। वेल फ्रेंड्स, सो मेरे पास एक सैम्पल है जो कि मेरे पास एक सिगरेट के पैकेट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि इसकी जो मशीन होती है, पैकिंग मशीन, उसमें किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है और उसमें स्पेशली हमें इनकोडर की ज़रूरत पड़ती है उस मशीन के मेन शाफ्ट में, जिससे वो तमाम पैरामीटर्स की सेटिंग हो जाती है, केम ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम। तो मैं आपको ये पैकेट खोल कर दिखाऊँगा स्टार्ट टू फिनिश, और वो मशीन की तरफ भी मैं वीडियो में दिखाऊँगा आप लोगों को कि ये किन किन मराइल से होकर ये पूरी पैकेट रेडी होती है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मैं इस पैकेट को ओपन करूँगा और ओपन करके आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम आएंगे अपने पीएलसी के प्रोग्राम की तरफ, फिर उसके बाद हम आएंगे एचएमआई के प्रोग्राम की तरफ। ये मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम किया हुआ कुछ सैंपल, जिसमें मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकोडर की वैल्यू बता रही है, जो कि ये टोटल आपकी मशीन की रोटेशन होगी, यानी पर मिनट में उसके रोटेशन क्या है, ठीक है, काउंटर। तो लेट सपोज मैं देखता हूँ एक पैकेट हमारे पास जो है, एक पैकेट से लेकर दूसरे पैकेट का डिफरेंस, जैसे हमारे पास लेट सपोज 2 पैकेट्स है, सही है, लेट सपोज दिस इज योर पैकेट अनदर। सो एक पैकेट से लेकर दूसरे पैकेट के सेंटर यानी ज़ीरो जो होगा आपका, लेट सपोज हमारे पास यहाँ स्टार्ट होता है 0 से एंड यहाँ तक हमारे पास दूसरे पैकेट के सेंटर तक हमारे पास समझ लें आप 260 रोटेशन होता है, ठीक है, 260 साइकिल। तो हम इस 0 से लेके 260 के अंदर इस पैरामीटर की सेटिंग करेंगे इस पैकेट के तमाम आइटम्स की। तो हम अब चलते हैं अपने पैकेट एचएमआई को दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर मेरे पास लेट सपोज कैम 1 है, कैम 2 है एंड कैम 3 एंड कैम 4 की टाइमिंग है, जो कि मैंने यहाँ पर सिंपली आप लोगों को एक एक आउटपुट ऑन करके दिखाया है। अब मैं आपको इनकोडर घुमा के दिखाता हूँ। ये रीसेट जोन है, जो कि मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो ये आपकी इनकोडर की वैल्यू को 0 कर देगा। अब मैं इसको स्लो स्लो मूव कर रहा हूँ, आप देखें ये 55 है अभी। अब जैसे ही 60 पे आएगा, देखें ये दूसरी आउटपुट को ऑन किया, 100 तक ये रहेगा क्योंकि हमारा केम ऑफ टाइम जो है 100 है। जैसे ये 100 से अब जाएगा, ये देखें, फिर इसके बाद हमारा थर्ड जो है केम ऑन टाइम 120 है, तो 120 से ये स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हो गया, ऑफ टाइम 160 रखा है मैंने, तो ऑफ टाइम 160 के बाद ये ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अनदर 4 केम टाइम जो है हमारे पास 190 है, 190 से 220 तक ऑन रहेगा, जो कि हम यहाँ पर ये देखें 190 के बाद स्टार्ट हो गया Y8 और उसके बाद ये चलता रहेगा 220 के बाद ये ऑफ हो जाएगा। और टोटल हमारे पास एक पैकेट से लेकर दूसरे पैकेट के रोटेशन आप देखें ये है 260 तक है ऑलमोस्ट। मैं सिलो सिलो आप लोगों को दिखाता हूँ,
ये देखो 260 से उसके बाद ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, यानी एक पैकेट का जो फासला है यहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ज़ीरो जोन, एंड ये जाएगा आगे जाते जाते जब अनदर पैकेट यहाँ पर आएगा हमारे पास, तो ये 260 रिसाइकल हो जाएगा और वो होने के बाद दूसरे पैकेट की टाइमिंग पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके प्रोग्राम होता है। तो हम आप चलते हैं, अपने पैकेट को ओपन करते हैं और ओपन करके उसको देखते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पैकेट को। यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है हमारे पास, सबसे पहले इमेज को अलग कर लेता हूँ। ये आएगा टोटल 20 सीक्रेट डिटेक्टर के अंदर, और आने के बाद आपको सबसे पहले बताएगा कि फर्स्ट डिटेक्टर होता है फिल्टर का, ठीक है, फिल्टर, और उसके बाद ये टोबैको लूज का होता है। तो यहाँ पर आप जैसे ये एंट्री होता है होने के बाद, ये डिटेक्टर यहाँ पर डिटेक्ट करता है, एक सेंसर होता है जो कि वाई टाइप का होता है, वो यहाँ पर फिल्टर को डिटेक्ट करता है, इसकी टाइमिंग सेट होगी, फिर उसके बाद लूज एंड, इन दोनों की जो टाइमिंग है सेम होती है। जैसे जिस टाइम ये फिल्टर को डिटेक्ट करेगा उसी टाइम लूज एंड को भी डिटेक्ट करके बता देगा कि इसमें टोबैको है या नहीं है, या कि फिल्टर है या नहीं है, इन दोनों की टाइमिंग सेम होती है। फिर उसके बाद ये टोटल 20 सिगरेट जो है यहाँ डिटेक्टर से होकर, टू के डिटेक्टर से होकर होने के बाद ये आगे जाता है, और जाने के बाद ये आपके इस फॉयल पेपर को, ये फॉयल पेपर है, ये फॉयल पेपर आता है, आने के बाद इसको बंडल की तरह मूव कर देता है सिगरेट को इसके अंदर। इस तरह बंडल बनाकर ये फिर इस तरीके से बंडल बनाकर ये आगे की तरफ मूव करता है, और यहाँ पर एक सेंसर होता है जो कि इस फॉइल के बंडल को रीड करता है, इसकी भी टाइमिंग सेट होती है, सेकंड हो गया। और फिर उसके बाद ये आगे जाता है, आगे जाने के बाद इस बंडल के ऊपर आपका ये यहाँ पर इसके ऊपर इनर फ्रेम फिक्स करता है, ऊपर की साइड से इनर फ्रेम आता है, इनर फ्रेम जैसे ही आने के बाद इसके ऊपर फिट होता है, और ये फिर यहाँ पर एक सेंसर होता है हमारे पास साइड में, और ये सेंसर हमें बताता है कि ये इनर फ्रेम मौजूद है या नहीं है इसमें। अगर ये नहीं है तो फिर ये आगे जाके पैकेट को इजेक्ट कर देता है, ये बाहर निकाल देता है अगर ये इनर फ्रेम नहीं होगा। इसकी भी टाइमिंग होती है, जैसे यहाँ पर इस जगह में सेंसर होता है और उसकी टाइमिंग सेट होती है यहाँ पर 3rd 1, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये पूरी पैकेट ब्लैंक की, ठीक है। ये ब्लैंक हमारे पास एक जगह से होकर ऊपर आता है, आने के बाद फिर उसके ऊपर ये खोल के दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए किस टाइप का ब्लैंक होता है, ठीक है, ताकि आप क्लियर समझ जाए। ये पूरा ब्लैंक इस टाइप का होता है, ठीक है। ये ब्लैंक अपने पैकेट से होकर वापस आता है, और आने के बाद ये इसके ऊपर बंडल और विनर फ्रेम के साथ इसको मूव करता है, ठीक है। मूव करने के बाद इस ब्लैंक की भी टाइमिंग होती है, सही है, इस ब्लैंक की भी टाइमिंग होगी, सेंसर होगा यहाँ पर कि ब्लैंक है या नहीं है, अगर ब्लैंक नहीं है तो इस पूरे बंडल को बाहर निकाल देगा इजेक्ट करके। तो इस तरीके से ये तमाम पैरामीटर्स जो है इसमें, अगर तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होगी, फॉयल, इनर फ्रेम और ब्लैंक, तो ये पैकेट आपका डायरेक्ट ड्रम हीटर में चला जाएगा, और हीटर में जाने के बाद ये वो पैकेट गुड पैकेट काउंट होगा। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिस होती है तो ये आप लोगों को इजेक्ट कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके की प्रोग्रामिंग के लिए मैं कुछ सैंपल बनाया हूँ आप लोगों को,
बाकी कुछ फंक्शन जो है इसमें आप लोगों को खुद से ऐड करना पड़ेगा, मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूँ। बाकी इजेक्टर वगैरह की टाइमिंग आप खुद से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पर सिंपली एक प्रोग्राम बनाया है जहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि यहाँ पे कैम ऑन टाइम और ऑफ टाइम टोटल मैंने दिखाया है। यहाँ पर 1 2 3 4 फोर प्रोसेस का मैंने बताया है। फोर प्रोसेस में लेट सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारा सबसे पहले क्या था भाई, फिल्टर मिस। मैं रिसेट करता हूँ, करने के बाद रिसेट कर दिया इनकोडर को। यहाँ पर मैं मशीन को मूव करता हूँ। मूव करने के बाद मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास फिल्टर जो ऑन है वो 10 में, सही है। उसके बाद उसकी ऑफ टाइम जो है 50 है। ये फिल्टर फिल्टर और लूज एंड, फिल्टर एंड लूज एंड की टाइमिंग। फिर उसके बाद मैं अब अगेन मूव करूँगा, और मूव करने के बाद जैसे ही हमारे पास यहाँ पर बंडल बंडल मिस की तरफ आएगा और ये ऑन होगा, जैसे ही ऑन होगा लेट्स अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 60 पे ये बंडल ऑन हो गया। तो यहाँ पे मैंने ऑन टाइम लिख दिया। उसके बाद 100, 5 एंड 10 के डिफरेंस से हम जो है ऑफ टाइम लगा देते हैं। वैल्यू मैक्सिमम 10 होता है, ये हम ऑटोमेटिक एडजस्ट करके लगा लेते हैं। और अगर आप चाहें तो बंडल के ऊपर जितना देर तक ऑन है सिग्नल उतनी देर तक आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हैं, सही है। उसके बाद मैं अज्यूम कर लेता हूँ हमारे पास इनर फ्रेम है। इनर फ्रेम की टाइमिंग इस, जब ये बंडल आपके पास इनर फ्रेम के सेंसर के ऊपर आएगा, हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास 120 के ऊपर ऑन हो गया आकर सेंसर, और ऑफ टाइम हम अपनी तरफ से 30 to 20 के डिफरेंस में लगा देते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं होता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लैंक मिस, जो कि ये ब्लैंक मिस का टाइमिंग है। ब्लैंक मिस इसकी टाइमिंग हम लगा देते हैं यहाँ पर 190। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, आपने ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर जब बंडल आएगा सेंसर के ऊपर ऑन होगा तो आपने उस टाइम को एंट्री करना ऑन टाइम। मैं अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है अभी। मैं लेट सपोज कर लेता हूँ 190 पे, इसको मूव किया मशीन को। जब हमारे पास ब्लैंक ऑन हो गया, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम 183 पे ऑन है। चले यहाँ पर 183 में मेरा ब्लैंक ऑन है, 190 कर लेते हैं। 190 में मेरा ब्लैंक ऑन हो रहा है, ऑफ टाइम में अपनी तरफ से डाल दूंगा 190, नहीं हुआ 190। और अपने तरफ से ऑफ टाइम 30 का डाल देता हूँ 200। मैंने एंट्री कर दिया। अब ये यहाँ पर मैं अगर इसको मूव करता हूँ, यहाँ पर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ऑन होता रहेगा अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से, और ये हमें बताता रहेगा। ये हमें उस टाइम ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, ऑन ऑफ होगा, तो इस तरीके से इसके टाइमिंग सेट होती है। तो अब हम चलेंगे अपने HMI के प्रोग्राम की तरफ, फिर उसके बाद हम जाएंगे PLC के प्रोग्राम की तरफ। और HMI मेरे पास मौजूद है इजी व्यू विनटेक का, और PLC हमारे पास डेल्टा ES2 जो कि ट्रांजिस्टर टाइप है। और इसकी वायरिंग भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हार्डवेयर वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं, तो ये भी आप देख लें। वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो और इसके बाद हमारे पास जो है इनकोडर की वायरिंग आ जाती है। इनकोडर की वायरिंग भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये दो टाइप के इनकोडर मॉडल के हिसाब से होते हैं। ये NPN भी होता है और PNP भी होता है। तो मेरे पास जो मौजूद है वो मैंने वायरिंग किया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी 24 वोल्ट ASUS में दिया। ये NPN है हमारे पास, ये NPN है मेरे पास जिसकी वायरिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसकी वायरिंग डायग्राम भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलते हैं हम आगे अपने इसके हार्डवेयर वायरिंग देख लेंगे। और
और करने के बाद फिर उसके बाद पीएलसी के प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन में प्रोग्राम करेंगे ये तमाम चीज़ें और देखते हैं क्या होता है। सो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि इनकोडर की वायरिंग के लिए सबसे पहले हमें हमारे मॉडल को जज करना होता है। मैंने मॉडल यहाँ पर अपना निकाल के रखा है, E6B2CWZ6E है। तो इसके लिए फिर मैं जाऊँगा गूगल में या फिर यहाँ पर मैनुअल में, आप देख सकते हैं मॉडल के हिसाब से लिखा हुआ यहाँ पर कि E6B CWZ6E हमारे पास NPN ओपन कलेक्टर आउटपुट मॉडल है। एंड अगर हमारे पास E6B2CWZ5B PNP होता तो हमारे पास क्या होता, PNP ओपन कलेक्टर आउटपुट मॉड्यूल। तो सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर दोनों मॉडल को मेंशन किया है जिसमें PNP और NPN दोनों है। तो मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो है PNP जो कि E6B2CWZ6E है। तो ये हमारे पास 6E NPN है हमारे पास, ठीक है। तो चलते हैं हम इसकी आगे फर्दर डिटेल की तरफ। तो ये जो मॉडल हमारे पास NPN ओपन कलेक्टर आउटपुट मॉडल है, इसका ब्राउन में जाएगा 5 to 24 volt DC हम दे सकते हैं, ब्लू 0 volt एंड ब्लैक फेज ए होगा, वाइट फेज बी एंड ऑरेंज फेज जेड जी होगा। तो इसकी वायरिंग की तरफ आ जाते हैं। चूँकि हमारे पास जो इनकोडर है वो NPN है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये PLC हमारे पास जो है DVP32ES2, इसका मॉडल मैंने बनाया है। ये एक DC आउटपुट मैंने PLC का ही यूज़ करते हुए इनकोडर को दिया है। तो आप ये आउटपुट आप एक्सटर्नल पावर सप्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बट ये आपको फॉर एग्जांपल मैंने PLC के DC आउट से कनेक्ट करके दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 volt DC हमारे पास इनकोडर के ब्राउन वायर में कनेक्ट हो जाएगा, 24 volt माइनस यानी ग्राउंड हमारे पास इनकोडर के ब्लू वायर से कनेक्ट हो जाएगा, और SS जो कि सोर्स एंड सिंक है हमारे पास PLC का, वो कनेक्ट हो जाएगा 24 volt DC से। कनेक्ट होने की वजह ये है कि हमारे पास NPN इनकोडर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर 24 volt DC सोर्स एंड सिंक में कनेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है फेज़ वन X0 में एंड फेज़ बी X1 में कनेक्ट कर दिए। ये तो फर्दर हम आगे प्रोग्रामिंग में डिसाइड करेंगे कि हमें फेज़ ए को यूज़ करना है या बी को यूज़ करना है या आया कि हमें दोनों को यूज़ करना है। तो आप लोगों को मैं तमाम चीज़ों की डिटेल बताता रहूँगा। अगर जब मैं कहूँगा आपको सिर्फ ओनली फेज़ ए को कनेक्ट करना है तो आपको फेज़ बी को निकाल देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों को कनेक्ट करके दिखाया आप लोगों को। तो आगे चलते हैं फर्दर। यहाँ पर हमारे पास जो इनकोडर है ये PNP मॉड्यूल है, ठीक है, मॉडल है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्राउन में 12 volt DC से 24 volt दे सकते हैं। बैक में जो हमने देखा था यहाँ पर 5 से 24 volt DC था, यहाँ पर इस मॉडल में हम 12 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे, 5 वोल्ट में ये वर्क नहीं करेगा। तो सेम ऑलमोस्ट वायरिंग सेम है, वैसी फेज है, ब्लैक कलर में, वाइट में बी है, ऑरेंज में जेड फेज है। इसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से होगा, PNP है। तो हम यहाँ पर सोर्स एंड सिंक में सिंपल 0 volt DC देंगे और कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एज इट इज़ हमने सिर्फ सोर्स एंड सिंक की वायर को चेंज करना है ब्राउन से ब्लू में। यानी कि पहले हमने दिया था ब्राउन वायर 24 volt DC, तो अब हम देंगे यहाँ पर सोर्स एंड सिंक में ब्लू वायर। तो ये इस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं हार्डवेयर वायरिंग इनकोडर के लिए हम अपने PLC में। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग में हम फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना WPL सॉफ्ट ओपन करते हैं। मैंने ये ओपन कर लिया है, ठीक है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू फाइल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनकोडर, ENCODER इनकोडर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इनकोडर लिख लिया है और उसके बाद मैं ये करूँगा दोस्तों, ये PLC हमारे पास है, ठीक है, और मॉडल ES2 है हमारे पास,
एस टू ES2 मॉडल है हमारे पास। कॉम की सेटिंग हम केबल के हिसाब से बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी मैं केबल कनेक्ट करना इस वजह से नहीं चाह रहा कम्युनिकेशन, कि ये फिर हमारी वीडियो में डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। यहाँ पर सिंपली हमें इनकोडर की हाई स्पीड काउंटर के लिए यहाँ पर ऑप्शन है हाई स्पीड काउंटर, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है वन फेज इनपुट। वन फेज इनपुट में हम जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम ये आया कि अपने काउंटर को अप यूज़ कर सकते हैं या फिर हम डाउन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वन फेज यूज़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। LDM 1000 कंडीशन में रख देता हूँ, 1000 बिकॉज हमें कंटिन्यूस चाहिए। इसकी वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए वो हम दे देते हैं। लेट सपोज हमें काउंटिंग 1000 तक चाहिए या 999। ये भी कंडीशन जो है आपकी कंडीशन हमें चाहिए M1000। LDM 1000 राइजिंग एज ओके है। राइजिंग एज एंड फेलिंग एज, राइजिंग एज ही रखते हैं हम, इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास मॉनिटरिंग मोड में आ चुका है। अब हम इसको PLC से कनेक्ट करके फिर हम देखते हैं कि हमारे पास सीन क्या हुआ है। मैं अपने PLC के प्रोग्रामिंग पोर्ट को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अपने PLC केबल को मैं ज़रा कम्युनिकेट करा लूँ इसके साथ। केबल कनेक्ट कर चुका हूँ मैं, अब इसको मैं अपलोड करूँगा अपने PLC में। इसको ऑनलाइन कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, अब ये मूव कर रहा है। ओके, मैं आपको दिखाता चलूँ, 1 मिनट वीडियो पॉज कर लूँ मैं ज़रा। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक काम और करता हूँ कि इस काउंटर को हमें रीसेट भी करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक मेमोरी यूज़ करते हुए M10 और आगे मैं रीसेट कर देता हूँ अपने काउंटर को C235 को, RST C235। देन हम यहाँ पर इसको अगेन डाउनलोड करते हैं PLC में। राइट करने के बाद जैसे ही मैं M1 को सेट ऑन करूँगा, ये हमारे पास काउंटर रीसेट हो जाएगा। फिर सेट ऑफ करके मैं इसको मूव करूँगा। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं इसको चाहे राइट घुमाऊँ या लेफ्ट घुमाऊँ। आप वीडियो में भी देख सकते हैं इसको मैं या राइट घुमाऊँ या इसको लेफ्ट घुमाऊँ। ये हमारे पास आप देखें स्क्रीन में प्रोग्रामिंग, वो काउंटर आपका अप की तरफ ही मूव होगा, देखें।
आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये काउंटर अभी HMI से कनेक्ट नहीं किया, HMI के लिए मैं दूसरा प्रोग्राम करूँगा, तो HMI की तरफ नज़र ना रखें क्योंकि आपको सिर्फ अभी WPS सॉफ्ट में देखना है कि क्या हो रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों में हमारे पास काउंटर अप हो रहा है। अब आ जाते हैं हम दूसरे प्रोग्रामिंग की तरफ। फेज़ हमने यूज़ एक ही करना है, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको डाउन काउंटर का बता दूं, LDX0 ये भी हमें M कंटिन्यू रखना है, तो M1000 कर देंगे कंडीशन। M1000 इसको भी कर देंगे। फेज़ वन एंड डाउन कंडीशन में रखना है, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सेम एज इट इज़ हुआ, जस्ट मैंने वहाँ पे टिक लगा दिया डाउन में। अब मैं इसको PLC में की तरफ मूव करूँगा, राइट करूँगा, और मैं यहाँ पर सेट ऑन कर दूंगा ताकि आप हमारा काउंटर रीसेट हो जाए, और उसके बाद M10 को अगेन ऑफ कर देता हूँ। अब होगा क्या होगा ये, अब मैं चलता हूँ अपने इनकोडर को मूव करके देखता हूँ, और करने के बाद फिर आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखें आप, मैं जैसे ही इसको मूव कर रहा हूँ ये रिवर्स की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ, ठीक है। या मैं इसको इधर घुमाऊँ या इसको इधर घुमाऊँ, होगा ये काउंटर माइनस ही। देख सकते हैं आप क्लियर, आपको WPS सॉफ्ट में भी नज़र आ रहा है, और बाकी मैं वीडियो भी आपको साइड में मेंशन कर रहा हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए कि मैं इसको जब राइट घुमा रहा हूँ तो आप WPS सॉफ्ट में देखें ये काउंटर डाउन ही हो रहा है, या लेफ्ट घुमाओ जब भी ये डाउन की तरफ ही आ रहा है। तो ये था हमारा हाई स्पीड काउंटर, पहले मैंने बताया आपके बारे में, अप डाउन के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम अप एंड डाउन बोथ। इन दोनों में हम फेज एक ही यूज करते हैं। सिर्फ फेज वन यूज होगा, ओनली ए। अब आ जाते हैं वन फेज टू इनपुट यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर हम LDM1000 की कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमें कंटिन्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हम 999 कर देते हैं, 9900 काउंटिंग। और यहाँ पर ये होगा वन फेज टू इनपुट, यानी इनपुट टू ये होगा कि हमारे पास X0 एंड X2 दोनों यूज़ होगा। और यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, इसको भी फिनिश कर देते हैं। M1000 है, ठीक है। हम इसको PLC की तरह मूव करते हैं, राइट करते हैं, ऑनलाइन।
इसको पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा। रीसेट कर लिया, फिर इसके बाद हम यहाँ पर वन फेज टू इनपुट है ये इसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम, और इसको दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं वीडियो को भी ऑन कर लेता हूँ अपने इनकोडर को मूव करते हुए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर डब्ल्यू पी एस ऑफ में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एम टेन ऑन है, इसको हम सेट ऑफ कर लेते हैं ताकि हमारा काउंटर मूव करता रहे। सेट ऑन, सेट ऑफ, C245 को करना है रीसेट। वेट, जब भी तो रीसेट नहीं हो रहा। वेट 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 वेट, काउंटर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है क्योंकि वन फेस टू इनपुट है। 245 को मैं यहाँ पर रीसेट कराऊंगा, देन हम पीएलसी में इसको मूव करते हैं। और उसके बाद ऑनलाइन ले आते हैं इसको, इसको सेट ऑन कर देते हैं। जैसे ही मैंने सेट ऑन किया वो देखें आप, काउंटर रीसेट हो गया है हमारे पास C245। फिर यहाँ पर हम अपने पास आपको वीडियो दिखाएं, तो जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड की तरफ, ये जा रहा है 527 तक गया। आप डब्ल्यू पी एल स्टॉफ में देखें, जब मैं इसको रिवर्स ला रहा हूँ ये देखें ये रिवर्स भी आना शुरू हो गया, यानी बोथ साइड मूव करेगा। जब हम फॉरवर्ड करेंगे ये आगे की तरफ जाएगा, जब इसको हम रिवर्स घुमाएंगे तो ये अपने रिटर्न पोजीशन में आएगा। ये है वन फेस टू इनपुट। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया है कि इनकोडर इस्तेमाल क्यों करते हैं, और इसमें वन फेज फॉरवर्ड रिवर्स एंड वन फेज टू इनपुट्स, वन फेज वन इनपुट्स के बारे में भी बता दिया है, टू इनपुट्स के बारे में भी बता दिया है, हाई स्पीड काउंटर किस तरीके से वर्क करता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसके ज़रिए हम किस तरीके से आउटपुट को ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद हम अपने HMI से भी कम्युनिकेट कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसकी वजह से पार्ट टू आप देखना नहीं भूलिएगा, और उसमें पार्ट टू में आपको तमाम चीज़ें HMI के साथ और इसके आउटपुट्स को भी ऑन करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो को आपको अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।